गए हुए हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी प्रोसेस में है, तो सब चीज़ें यहाँ हो जाएंगी इंशाल्लाह। और सर, अगर मुखालिफ नशिस्तें नहीं मिलती तो फिर क्या एक प्रोसेस? आज हिकमत अमली है ऐवान में आपकी, देखो इंशाल्लाह ताला भाई आपके साथ वे करेंगे इंशाल्लाह। हमारा मुद्दा तो यही है कि ईमान के अंदर ये मुकद्दस जगह होती है जमहूरियत में, और इसमें सिर्फ उन लोगों के बैठने का हक है जो अकवाम के हकीकी नुमाइंदे होते हैं। जिसके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है, जिसने पब्लिक ट्रस्ट अर्न नहीं किया, उसका इस ईवान में बैठने का कोई हक नहीं। सर, मरवा साहब ने अनाउंस कर लिया कि खान साहब 30 दिन के अंदर बाहर होंगे इंशाल्लाह ताला, उससे भी बड़ी जल्द वोट देना चाहते हैं। वक्त ये होता है कि आपने जीतना होता है, आपने अपोजिशन में बैठेंगे या हुकूमत में? अपोजिशन में। अच्छा नूर भाई, सर आप वोट डाल हिस्सा डालेंगे स्पीकर और वज़ीर आज़म के वोट में? नहीं। अच्छा नूर सर, अभी तक ऐसे फैसला नहीं। मैडम ये बताइएगा कि आज आज़ाद हैसियत में आप बैठेंगे, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ कोई इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर अभी आपको शामिल नहीं किया? मैं हमेशा से इमरान खान की साथी हूँ, इमरान खान के वफ़ादार हूँ। मैं पीटीआई में पैदा हुई थी, पीटीआई से ही मेरा जनाजा निकलेगा। कुछ जो हमारे ऊपर जो हमारे साथ जुल्म और बर्बरियत किया गया, उसमें हमने कुछ सियासी इत्तेहाद किया और बहुत अच्छी बात है। मैं उसका सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का और मैं MWM का दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने, आपने इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट किया, आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया। लेकिन मैं PTI हूँ और PTI ही रहूँगी। अब यहाँ पर आवाम की आवाज़ उठाने के लिए आई हूँ, इमरान खान की आवाज़ उठाने के लिए आई हूँ, और मैं बुशरा बीबी के लिए आवाज़ उठाने के लिए, और स्पेशली सियासी खवातीन जो कैदी हैं मैं उसकी आवाज़ उठाने के लिए कही हूँ। बाकी मेरे डेरा गाजी खान का फ़ख्र है, गयूर आवाम ने मुझे वोट दिया है इमरान खान के नाम पर, मेरा ज़ाती एक वोट भी दिया। आज देश देखिए, IMF एक इदारा है जिससे पाकिस्तान एक मुआहदा करता है फाइनेंशियल सपोर्ट की। हम किसी गैर मुल्की इदारे या किसी मुल्क की पाकिस्तान में इंटरफेरेंस के हक में नहीं है, और इसी वजह से हमने अपनी हुकूमत कुर्बान की एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन इनके साथ जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जब IMF के साथ मुआहदा हो रहा था, हमसे एश्योरेंस ली गई थी कि क्या आप एश्योर करते हैं कि एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन होगा। हमने सिर्फ वही उनको निशानदेही की है, उनको याद दहानी कराई है कि आपने हमसे तो एश्योरेंस ली थी, क्या आपने यकीन दहानी कर ली है कि इस मुल्क में एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन हुआ है, बाकी पाकिस्तान की सलामती और इसकी इज्जत और बका पे एक आँच नहीं आने देंगे। बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, ओपोजिशन के लिए कोई पैगाम? बस आपसे बात भी नहीं करने दे रहे एक मिनट की। बेटा बात करेंगे, लाइक एक दफा अगर कहाँ मौका मिलता सर से बात करने का तो सर मिलेगा मौका। अच्छा सर, कैसा लगे ऐवान में आना? आपको कैसा लग रहा? मुझे हमें तो अच्छा लग रहा है। IMF के खत के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह के खत वो भी लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है। और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। सर, ये मुल्क दुश्मनी के मुतारिफ नहीं है? चलें, थैंक यू, प्लीज़ थोड़ा प्लीज़ थोड़ा।
साथियों के बीच ठीक है मैं क्षेत्र के हवाले से आपका तजर्बा है और मुफामत के हवाले से भी सबको साथ लेके चलने का एक बहुत बड़ा वसी तजर्बा आपका। तो इस वक्त जो चैलेंजेस है मैशियत को, मुल्क की सियासत को और मुल्क को, उसको हैंडल कर लेगी ये इत्तेहादी गवर्नमेंट। सर चैम्बर में आ जाए, मियां साहब चैम्बर में आ जाए, दो मिनट ये अभी आप लोग कुछ तो सर बोलिए, चलते हैं।